गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहली बार संचालित तो होने जा रहे बीएससी एग्रीकल्चर की प्रवेश परीक्षा में 3111 अभ्यर्थी शामिल हुए। सुबह की पाली में परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय कैंपस में 9 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 3867 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। परीक्षा में 3111 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 686 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा को छोड़ दिया। दोपहर की पाली में एमएससी एग्रीकल्चर की प्रवेश परीक्षा का आयोजन 2 केंद्रों पर किया गया। परीक्षा के लिए 818 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, 609 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 209 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने बताया कि परीक्षा पैटर्न में बदलाव था, लेकिन पेपर थोड़ा टफ था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षार्थी संजीव यादव, रिया तिवारी, सौरभ तिवारी, अदिति आकांक्षा उपाध्याय ने कहा, निशान सिंह। पेपर कैसा था? एग्रीकल्चर का था सर। अच्छा है था पेपर। संजीव यादव। पेपर कैसा? अच्छा था। उम्मीद हो जाए 55 क्वेश्चन की, और मैथ से मैथ क्वेश्चन एक भी नहीं, पूरा 100 चर का था। रिया तिवारी। आप पेपर कितना है? ठीक था पेपर। क्या उम्मीद लगी? उम्मीद तो है कि निकल जाएगा। सौरभ तिवारी। किस तरह पेपर आया था? पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा था, और मतलब प्रैक्टिस करने से बहुत फ़ायदा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से, और क्वेश्चन ठीक ठाक था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब नॉर्मल था। पर उम्मीद है ठीक ठाक रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी पढ़े थे सब ठीक ठाक है, और देखिए क्या होता है जितना पढ़े, हमको लगता है कि ठीक ठाक अच्छा रहेगा। अदिति। किस तरह पेपर आया? थोड़ा हार्ड था, बट करने पे फिर आसान लगने लगा। क्या उम्मीद लग रहा है? निकल जाएगा, इतना उम्मीद है। आकांक्षा उपाध्याय। पेपर किस तरह आया? पेपर पिछले बार के पैटर्न की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, सब हमारे एग्रीकल्चर से केवल एग्रोनॉमी से क्वेश्चन थे, वो भी साइंटिफिक तरीके से, जैसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इन सब इंग्लिश पैटर्न के हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्या लग रहा है? बहुत कम चांसेस है।